गाइस, आज है सैटरडे और आपको पता है एवरी सैटरडे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉक, ओके, जिन स्टॉक में आप नेक्स्ट वीक ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गाइस, आज भी मैंने फिल्टर करके निकाल लिया है आप लोगों के लिए 5 स्टॉक्स, वो स्टॉक आपको आज प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नवजीत और आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 5 स्टॉक जिनमें आप ट्रेड लेकर नेक्स्ट वीक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। उससे पहले हम देखेंगे जो प्रीवियस वीक मैंने 4 स्टॉक्स आपको प्रोवाइड किया था, उन 4 स्टॉक ने आपको लॉस दिया या प्रॉफिट दिया, ओके। उन 4 स्टॉक में से पहला स्टॉक है जो एबर्ट इंडिया लिमिटेड, ओके। एबर्ट इंडिया लिमिटेड ने हमको कुछ नहीं दिया, ना लॉस दिया है ना प्रॉफिट दिया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हुआ, ओके। नेक्स्ट हमारे पास था, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट था टाटा पावर, ओके। टाटा पावर ने हमको थोड़ा सा, अगर आप ऑप्शन में बाय करते तो 1 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास था डिक्सॉन टेक ने भी अच्छा खासा हमको प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद एक और स्टॉक था, वो अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा स्टॉक था, छोरी आपको स्क्रीन पे जाकर पता चल जाएगा, क्योंकि मैं कोई जो प्रीवियस वीक का स्टॉक है वो सब देखकर मैं ये वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, जो याद है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जब मैं स्क्रीन पे जाकर आपको समझाऊंगा तब मैं देख लूँगा कौन कौन सा मेरा जो स्टॉक था प्रीवियस वीक आपको दिया था, ओके। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आप न्यू व्यूअर्स हो, लर्नर हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वॉच लिस्ट पर जाना चाहिए, ओके, सॉरी वॉच लिस्ट नहीं, प्ले लिस्ट पर जाना चाहिए और वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का जो सीरीज़ है उसका जो वीडियो है वो देख सकते हो, और जो ट्रेडिंग मतलब है इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसका भी जो वीडियो है वो भी देख सकते हो, सीख सकते हो। उसके हेल्प से आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप लॉस मेकिंग में चल रहे हो तो उस लॉस को कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉफिट में, अदरवाइज जो लॉस है उसको ब्रेक इवन में अगर कन्वर्ट कर पाओ तब भी आपके लिए बहुत है इनिशियल स्टेज में, ओके। तो गाइस, वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि वीडियो का थोड़ा सा रीच बढ़ पाए। अगर वीडियो का रीच बढ़ेगा तो वीडियो दूसरे तक पहुंचेगा, दूसरे लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, कुछ सीख पाएगा इस वीडियो के थ्रू, तो दूसरों का भी हेल्प हो जाएगा आपके थ्रू। अगर आपके थ्रू दूसरों का हेल्प होगा तो भगवान आपका हेल्प करेगा, ये हमेशा ध्यान देना, ओके। अगर भगवान ने आपको हेल्प कर दिया तो पता है आपको क्या हो सकता है आपके साथ। तो गाइस, छोटा सा काम है, बस आपको एक लाइक बटन को प्रेस करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे पूछना है, मैं आपको समझाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपके साथ मैं अच्छा कंटेंट शेयर करता रहता हूँ रिगार्डिंग शेयर मार्केट, ओके गाइस। तो भी स्क्रीन पे जाएंगे और देखेंगे, ज़्यादा बकबक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, अब वीडियो को वॉच लेटर पे डाल लो, जब आपके पास टाइम होगा तो अच्छे से देखना, पेन पेपर साथ में रखना, जो जो लेवल्स बताओ वो लेवल्स नोट करके रखना, और आप खुद एक बार अपना पीसी ऑन करना, चार्ट निकालना, वहाँ पर वो जो मैंने लेवल्स है वो लेवल्स लगाना और खुद से भी देखना एनालाइज करने के लिए, ओके। मैं जैसा बोल रहा हूँ आपके माइंड में भी ऐसा आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो अच्छा है, आप सीख रहे हो, अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, आपको भी आ जाएगा। तो अब चलिए स्क्रीन पे। तो गाइस, हम आ चुके हैं स्क्रीन पे, अभी आपको बताएंगे जो प्रीवियस वीक में मैं आपको 5 स्टॉक्स दिया था, उन 5 स्टॉक्स में से कितने ने आपको प्रॉफिट दिया, कितने लॉस दिया, वो सब आप बताएंगे, और उसके बाद एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीक हम कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, मतलब कौन सा स्टॉक पे ट्रेड ले सकते हैं, ओके। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। और गाइस, हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो गाइस, सबसे पहला हमारे पास क्या है, डेल्टा कॉप, ओके। डेल्टा कॉप में मैंने आपको सिंपली बताया था 290 के ऊपर आपको लॉन्ग जाना है, बाय करना है, बट इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं, तो इस पर हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट, कुछ भी ट्रेड ही जनरेट नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास था एबर्ट इंडिया लिमिटेड, ओके, ओपन कर लीजिए एबर्ट इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है हमारा, ओके। तो मैंने सिंपल इस यहाँ पर बोला था 22569 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है, और यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ये ऊपर गया और यहाँ से यहाँ तक का हाई लगा, कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है इसमें, ओके, अभी हम काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से वीडियो बनाएंगे, अब बोर मत हो जाना भाई, बोर हो गए कुछ नहीं हो पाएगा। तो 1375 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसने दे दिया, ओके। तो फर्स्ट स्टॉक प्रॉफिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डिक्सन टेक, ओके। डिक्सन टेक अभी चेक करते हैं, डिक्सन टेक ओपन हो जाओ, ओके, ये देखिए डिक्सन टेक का है।
मैंने सिंपल इसके बोला था 4899 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। आप अगर ऑप्शन फ्यूचर्स कैश जो भी बाय करना है बाय कर सकते हो। अगर बाय करते तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का इसने हाई लगाया, कितने पॉइंट्स का हाई लगाया अभी काउंट करते फटाफट से। ओके तो देखो गाइज, अगर हमारे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर हाथ में लगेगा। 450 पॉइंट्स गाइज, 1 वीक में 450 पॉइंट्स का मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। ओके गाइज, अगर फ्यूचर ऑप्शन जो भी आपने बाय किया होगा धमाका कमाया होगा हमारे साथ, कॉन्ग्रेट्स। ओके तो लास्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट है टाटा पावर। ओके एंड गाइज सॉरी, लास्ट वीक मैंने 5 नहीं 4 स्टॉक दिया था, उनमें से 3 स्टॉक ने क्या दिया है, ओके टाटा पावर ने भी हमको प्रॉफिट दिया। कितना सिंपल बोला था मैंने, 170 से 1.90 के ऊपर आपको बाय करना है, और अगर 182.85 ब्रेक करे तब भी आपको बाय करना है। 177.90 ब्रेक किया ऊपर गया, ये जो फर्स्ट टारगेट है इसको हिट किया, इसको इसके ऊपर गया जाकर रिजेक्शन लेकर नीचे आ गया, तो यहाँ पर भी हमको प्रॉफिट दे दिया। कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया देख रहे थे, ज़्यादा पॉइंट्स का प्रॉफिट नहीं दिया फिर भी हमको प्रॉफिट दिया। ओके इसका लॉट साइज बहुत ज़्यादा है, अगर ऑप्शन में भी बाय करते अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता, तो 4.90 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया, मतलब अप्रॉक्स आप समझ लीजिए अप्रॉक्स 1 पॉइंट तक हो जाएगा इस पे ऑप्शन में। तो चार जो स्टॉक था उसका क्लियर हो चुका है, 3 ने प्रॉफिट दे दिया, 1 ने ट्रेड ही जनरेट नहीं हुआ, मतलब हमारा ओनली प्रॉफिट हुआ है, लॉस इसमें नहीं हुआ। तो नेक्स्ट वीक हम कौन सा ट्रेड ले सकते हैं अभी बताते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर कुछ समझ में नहीं तो कॉमेंट करके पूछना। ओके तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परसिस्टेंट से। ओके परसिस्टेंट एक नया स्टॉक है, ओके हमारे लिए, मतलब हम यहाँ पर काम नहीं किए इस स्टॉक पे अभी तक, आपको आपको प्रोवाइड नहीं किया। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे जाएंगे, देखेंगे हम क्यों बाय कर रहे हैं, यहाँ पर कैसा मूवमेंट है। तो देखिए गाइस लगातार लगातार ये जो स्टॉक है ऊपर ही जा रहा है, लगातार ऊपर ही जा रहा है। ओके तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कैच करेंगे, और इसका जो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है और ज़्यादा है, तो हम ऊपर जाने के टाइम पे हम इसको बाय करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके बुक मतलब ऐसे करेंगे, अगर नीचे भी आ सकता है हमेशा, मतलब ऊपर ही जा रहे हैं नॉनस्टॉप ऊपर ही जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है हल्का पुल बैक भी ले सकते हैं। अगर पुल बैक लेगा तो हमारे जो स्टॉप लॉस वगैरह होगा वो कैसा होगा सब कुछ आपको मैं इधर बताऊंगा। ओके तो डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं परसिस्टेंट का, तो एक है जो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है ये दे चुका है, देकर ऊपर पे क्लोजिंग दे दिया। तो हम 15 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे, आपको बताएंगे कब आपको बाय और सेल करना है। ओके तो आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो हमको सिंपली क्या करना है, इसके हाई के ऊपर हमको बाय करना है, लो के नीचे हमको सेल करना है। ओके ये इसका हाई है, हाई के ऊपर आपको बाय करना है। ओके इसका जो लो है लो के नीचे आपको शॉर्ट करना है, आपको अभी बताते हैं, शॉर्ट नहीं करना है शायद इसमें, इसके ऊपर आपको बाय करना है। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। ओके सॉरी क्या हो गया ये सब, और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, आपको स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे रखना है। ओके 4000 से थोड़ा सा नीचे, 4000 से थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, उसके बाद बिंदास जो अपसाइड का रैली है उसको एंजॉय करना है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है परसिस्टेंट ये क्लियर हो चुका है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे वीकली चार्ट पे जाएंगे हम। ओके वीकली चार्ट पे आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। ओके एक अच्छा सा ब्रेकआउट, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ब्रेकआउट दे चुका है। ओके तो इस पर पॉसिबिलिटी हाई है ऊपर जाने का, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जाने के बाद ओके ब्रेक करके ऊपर थोड़ा सा ये पॉज लिया मार्केट। ओके पॉज लिया थोड़ा सा, 3 बार जैसा भी कैंडल फॉर्म हुआ है, हम इस पर बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सेल कब करेंगे पहले ये आपको बता देता हूँ, ये जो 3 बार कैंडल बना है, ओके ये जो कैंडल है इसका नाम है 3 बार। इस कैंडल का जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर चेक कर लो ये वाला स्ट्रेटेजी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर नेक्स्ट जो मंडे को कैंडल आएगा अगर ये रेड कैंडल बनता है ओके और इसका जो लो है लो को ब्रेक करके नीचे आता है, तो हम क्या करेंगे तब हम सेल करेंगे, और बाय कब करेंगे भी आपको बताते हैं। सेल करने का आपका जो लेवल है वो मैंने आपको बता दिया, अब हम बाय कब करेंगे अभी बताते हैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे जाकर। ओके तो सिंपल इसका जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई मतलब ऑल टाइम हाई ये होगा आपका। ओके यहां से रिजेक्शन लिया 388.50 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है, बाय करना है, और सेलिंग का कब सोचेंगे हम, सेलिंग के लिए हम सोचेंगे 362.60 के नीचे, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ रहा तब हम सेलिंग के लिए सोचेंगे, और आपको बता दिया। वन डे टाइम फ्रेम पे जाकर आपको क्या देखना है,
जो पिन बार कैंडल है इसका लो अगर ब्रेक करता है तब हम करेंगे। ओके तो गाइस टाटा मोटर्स का हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जिसने जो पिन बार कैंडल का स्ट्रेटजी वो नहीं देखा होगा तो वो पहले वो देख लो सीख लो। ओके तो नेक्स्ट हम आएंगे IEX पे। ओके IEX पे हम आ चुके हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे। तो यहाँ पर भी हम ट्रेड लेंगे, ये भी पूरा ऊपर ऊपर भाग रहा है। ओके वन वीक चार्ट पे हम आ चुके हैं, देखिए कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। ये पैराबोलिक मूवमेंट बोलते हैं, जो ये ट्रेड होता है ये थोड़ा सा रिस्की होता है। ये ऊपर गया, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर पॉज लिया, उसके बाद दोबारा ऊपर गया। ओके तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। ओके हम डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, तो इसने भी अगर हम ध्यान से देखें तो एक ब्रेकआउट दे चुका है। ओके ये वाला अगर लेवल्स में मार्क करूँ, एक ब्रेकआउट ये दे चुका है। ओके ये इसका सपोर्ट हो गया। ओके ऐसा मार्केट ने रेंज बनाया था, रेंज को ब्रेक किया, उसके बाद दोबारा एक रेंज बनाया और रेंज को अभी ब्रेकआउट दिया। ओके तो ये ब्रेकआउट लेने के बाद ये दोबारा ऊपर जा सकते हैं। हम बाय कब करेंगे, अगर ये जो कैंडल है इसका जो हाई है, हाई जब ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगा इसका, तब हम क्या करेंगे, सिंपल बाय करेंगे इसके ऊपर। तो मैंने जो पॉइंट है, टारगेट लेवल है, वो भी प्रोवाइड कर दिया है आपको। अभी 15 मिनट के चार्ट पे पता चल जाएगा कहाँ पर आपको बाय और सेल करना है। तो सिंपल लेवल से तो आपको देखिए इस लेवल के ऊपर, ओके ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने पर आपको सिंपल बाय करना है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है, जो सेल वाला लिखा हुआ है इस पर स्टॉप लॉस लगाना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है और नीचे जाता है तो आपको सिंपल क्या करना है, सेल कर देना है, शॉर्ट करना है। ऑप्शन फ्यूचर्स कैश कुछ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अगर आपको जानना है कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप बाय करना है, कौन सा कॉल पुट बाय करना है, ये सब अगर जानना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस अब चलते हैं, कौन सा अब चलते हैं, एक और स्टॉक है हमारे पास रीसेम। अरे क्या लिख दिया मैं, ओके तो हम आ चुके हैं रीसेम पे। तो वन चार्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंटिन्यू जो है, यहाँ पर आपको पता चलेगा ये जो पिन बार कैंडल है, देखिए ये पिन बार कैंडल है, ये स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल जो है इसका पिन बार का, वो नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे गया है, लो को ब्रेक किया, तब हम अगर शॉर्ट करें तो यहाँ तक से यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये होता है स्ट्रेटजी का पावर। अगर आपको नहीं पता है तो प्ले लिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा ये वाला स्ट्रेटजी, ओके सीख लीजिएगा। हाँ तो क्या करना है, अब डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये नीचे आ रहा है, ये नीचे कहाँ तक आ सकता है, मुझे लगता है ये वाला जो है ये सपोर्ट वाला एरिया है। ओके यहाँ तक आ सकता है मुझे ऐसा लगता है, तो अगर यहाँ तक आएगा तो हम शॉर्ट करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो अभी 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, आपको कहाँ पर बाय और सेल करना है आपको बताएंगे इस चार्ट पे। ओके तो लेवल्स आ चुका है आपके सामने। तो गाइस देखिए मार्केट ने इस पॉइंट पे 27711 पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और एक हैवी सपोर्ट जोन बनाया है। ओके अगर इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा तो हम सिंपल शॉर्ट करेंगे। ओके अदरवाइज ये वाला जो लेवल है 28080, इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे अपसाइड में। ओके और डाउन साइड में जाता है डाउन साइड बुक करेंगे। अब कभी भी ये गलती मत करना, विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में काम मत करना और फ्राइडे तक कोई भी ट्रेड होल्ड मत करना। अगर वो ऑप्शन का है, ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है, तो गलती से भी होल्ड मत करना। ऑप्शन सेलिंग का हो तो एक दो दिन होल्ड कर भी सकते हो। ओके तो मैं रिकमेंड नहीं करता आपको होल्ड करने के लिए। अगर आपको टारगेट अचीव हो जाता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, अदरवाइज क्या करो, SL को मॉडिफाई करके चलो। ओके ट्रेल करके चलो। तो जो इसका है श्रीसेम का हो गया, अब हमारा पास लास्ट कौन सा है, लास्ट एक स्टॉक है, वो है माइंडट्री का। ओके तो गाइस नोट करके रखना अपने चार्ट पे, अप्लाई करना ये सब। तो हम क्या करेंगे, वीकली चार्ट पे जाएंगे, देखेंगे माइंडट्री कैसा चल रहा है। तो माइंडट्री देखिए यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है क्या, एक इनसाइड बार कैंडल भी हमको दिखाई दे रहा है। इसके लो के नीचे और हाई के ऊपर भी हम बाय सेल कर सकते हैं। ये वाला स्ट्रेटजी आपको नहीं है पता है तो प्लेलिस्ट पे जाकर ये भी सीख सकते हो। और देखिए यहाँ से कंटिन्यू पैराबोलिक मूवमेंट दिया है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने पॉज लिया, ओके और इनसाइड बार कैंडल बनाए, तो इसके ऊपर हम जाएगा तो बाय करेंगे, इसके नीचे आएगा तो हम सिंपल शॉर्ट करेंगे। अब वन डे के चार्ट पे जाकर कुछ देखते हैं, कुछ क्लियरिटी मिलता है क्या यहाँ पर। ओके तो गाइस यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके देखिए मार्केट ऊपर गया, इसके बाद ऐसा कुछ राउंड शेप जैसा बना रहा है। ओके तो ये जो हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है तो हम शॉर्ट करेंगे,
अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, थोड़ा नैरो डाउन होगा तो मैं करता हूँ अभी क्या और 5th के चार्ट पे जाकर। ओके देखिए गाइस, ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर जाएगा तो हम सिंपल बाय करेंगे और आपका जो SL है इस पॉइंट पे आपका F4440 पे आपका SL लगेगा। ओके अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो आप क्वांटिटी डबल करके दोबारा डाउन साइड के लिए वेट कर सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैंने जो 5 स्टॉक्स था प्रोवाइड कर दिया आपको, तो आई होप जो 5 स्टॉक है 5 स्टॉक से 5 स्टॉक ही प्रॉफिट आपको दे दे। तो गाइज एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करना, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना, हम भी करेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना बिल्कुल भी। ओके तो गाइज लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया एक लाइक कर देना, आपका 1 लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और गाइज शेयर शेयर भी कर देना, आप लाइक करो शेयर करोगे तो चैनल का जो रीच है वो रीच बढ़ेगा, अगर रीच बढ़ेगा तो वीडियो 200 तक पहुँचेगा, जो लोग हैं लॉस कर रहा है शेयर मार्केट में ओके वो भी कुछ कमा पाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो गाइज क्या हुआ, आपके थ्रू दूसरे का भी हेल्प हुआ, अगर आपके थ्रू दूसरे का हेल्प हुआ तो भगवान आपका हेल्प करेगा। तो गाइस एक लाइक बनता है और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट्स मेरे चैनल में आता रहता है। तो हैव ए गुड डे।